नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज का वीडियो निधि और जितने भी फाइनेंस बिजनेस है उनके लिए स्पेशल है। उसका बहुत बड़ा कारण बता देता हूं। सबसे पहली बात ये कि हम लोग लॉस में आ जाते हैं या फिर बिजनेस डूब जाता है, दोनों कंडीशन में जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर्स की या प्रोमोटर्स की। लेकिन अगर ये 7 पॉइंट आपको पता है तो फिर आप इस जिम्मेदारी को आराम से निभा सकते हैं और जीत भी सकते हैं। सबसे पहला चीज ये, इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर निधि कंपनी की बात करूं या कोई भी दूसरे कंपनी, फाइनेंस कंपनी की बात करूं, स्पेशली निधि कंपनी में इनकम्प्लीट नॉलेज अगर आपको है तो बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। क्योंकि अगर कुछ भी हमारे सिस्टम पे गलती हुई, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में गलती हुई, तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों के लिए किसी भी समय प्रूफ बन सकता है और हम लोग वहां पर डिपार्टमेंट, आरओसी या रीजनल डायरेक्टर से परेशानी में आ सकते हैं, हमारा कोई भी अप्रूवल कैंसिल हो सकता है। तो इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं होना चाहिए, 100% नॉलेज रखिएगा निधि में, और बाकी सारे फाइनेंस बिजनेस में भी रीजनेबल नॉलेज रखना ही पड़ेगा। एक और चीज बता दूं, यहां पर डिपेंडेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहां पर डिपेंडेंस क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि आपको लगता है ये व्यक्ति सही कर रहा है और वो व्यक्ति सही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने केवल ये कि मैं इनको अच्छे से जानता हूं, लेकिन उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, ये जानते हो क्या? यस और नो, यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। बोलते हैं सर मैंने जिस कंसल्टेंट को रखा है वो कंसल्टेंट काम नहीं कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं, मैं 2 साल से बोल रहा हूं, मैं हमेशा हर महीने समय पर पैसा देता हूं और हर महीने मैं उनको जब जब चाहिए पैसे और जब जब इंफॉर्मेशन चाहिए मैं देता हूं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, डॉक्यूमेंट मांगू तो देते नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से या फिर आरओसी से या रीजनल डायरेक्टर से नोटिस आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकम्प्लीट नॉलेज आपका, आपका जो ट्रस्ट है वो गलत व्यक्ति पे है, आपने वो चेक नहीं किया कि उनको पता है कि नहीं, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सपोज करिए बहुत सारा चीज पता चल गया, रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से पता चल गया, लेकिन आपने अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं किया, खाली जब डांटना पड़ता है तो अरे तुमको इतना भी नहीं मालूम, अरे फलाने दिन तो मैं बताया था, लेकिन आपने कहीं पर भी उससे लिखवाया नहीं, क्योंकि आपका लिखने का आदत नहीं है तो शायद वो भी नहीं लिख पा रहा होगा। अगर आपका लिखने का आदत है तो उनका भी आदत बनवाइए, ताकि वो नोट करे क्या क्या चीजें, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जिस पोस्ट में काम कर रहा है, उस पोस्ट के लिए कौन कौन से रूल एप्लीकेबल है, ये अगर आप मार्क करके दे दोगे और उनके टेबल के सामने चिपका दोगे कि ये सारे रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल है, आपके व्हाट्सएप में भी हमने दे दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी किसी से भी इंटरेक्शन करते हो या काम करते हो तो ये रूल्स आपको चेक करने पड़ेंगे। ऐसे अगर हमने सब डिवाइड करके सबको दे दिया बहुत आसान हो जाती है। तो अपना नॉलेज अपने स्टाफ को ट्रांसफर नहीं करने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आप सही हो, आपका स्टाफ गलती कर गया, क्यों कर गया? आपने बताया नहीं या रिफ्रेश नहीं किया या फिर आगे आप उस जानकारी को कभी चेक नहीं किया कि उसको सही पता है या फिर नहीं पता है। चौथी बात ये कि हमारा सॉफ्टवेयर भी हमारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कंपेटेबल होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट परसेंटेज जो सबसे हाई है वो आपने अपने सॉफ्टवेयर को बता दिया और सॉफ्टवेयर उससे ऊपर जा ही नहीं सकता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरी चीज ये कि जितने भी चार्जेस वगैरह हैं वो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अगर डिसाइड कर दिए तो सॉफ्टवेयर उस चीज को दे देगा। तीसरी चीज ये कि सॉफ्टवेयर को अगर आपने बता दिया कि हर महीने के एंड में ये वाला रिपोर्ट जनरेट हो जाना चाहिए और वो रिपोर्ट के कारण आपको टीडीएस फाइल करने में आसानी होती होगी, आपको आरओसी में मेंबर डेटा अपडेट करने में आसानी होती होगी और आपको टैक्स अथॉरिटी में कोई इंफॉर्मेशन चलान या कोई जानकारी देनी है तो भी आप उस रिपोर्ट से दे सकते हैं। तो स्पेशल उसको कंप्लायंस रिपोर्ट्स की कैटेगरी में सॉफ्टवेयर में अगर हम डलवा देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम 99% खत्म हो जाता है। इसके अलावा निधि कंपनी या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर ऐसा बोलती है कि प्री पेमेंट के समय हम 2% माइनस करेंगे या फिर 1% माइनस करेंगे, जो भी डिडक्शन होगा वो डिडक्शन ऑलरेडी फीडेड है, उसके लिए अलग से कभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉई कोई भी बैठे, सॉफ्टवेयर प्री प्रोग्राम्ड है, वो सारी चीजों को सही सही कर लेगा, जब भी आप उसका ट्रेल मांगेंगे दे देगा। तो इसका मतलब ये कि आपका सॉफ्टवेयर में भी काफी कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए। कल ही हमने सॉफ्टवेयर की भी मीटिंग करी और उसमें बहुत सारी सुविधाएं हमने बताई भी थी, राइट। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सिस्टम और प्रोसेस का हमने डेफिनेशन कभी बनाया नहीं कि कौन सा काम करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होगी, उसका हम लोगों ने कोई मैनुअल नहीं बनाया, उसका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बताया, और ये सारी चीजें नहीं बताने के कारण हम कभी भी जानकारी सही तरीके से अपने स्टाफ को भी नहीं दे पाते। खाली इंडिकेटिव बताते, देखो हमको फलाना टारगेट है, ये चीज पूरा करना है, ठीक से काम करना है और कोई गलती मत करना, ईमानदारी से काम करना, लेकिन काम करने के लिए जो पूरा सुविधा होना चाहिए, पूरा सिस्टम होना चाहिए, पूरा प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए, पेपर में होना चाहिए, उसकी कॉपी उसके पास होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करते समय से, वो हमने कभी किया ही नहीं। तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। छठवां पॉइंट है ट्रेनिंग और मोटिवेशन। सबसे पहले तो जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है और साथ में जो टॉप मैनेजमेंट या डिसीजन मेकर है उनको साथ में लेकर ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको और आपके जो की पर्सन है उनके पास नॉलेज एकदम अपडेटेड हो, और इतना ही नहीं वो हमेशा दूसरों को सिखाने और गाइड करने के काबिल बन जाए। इसी कारण हमारे जितने भी फिजिकल प्रोग्राम होते हैं उसमें निधि कंपनी वाले स्पेशली वो अपने की मैनेजमेंट पर्सनल को लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी जागरूकता की बात है।
क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमको भी सीखना है और हमारी टीम को भी सीखना है, क्योंकि टीम का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा वो काम करते रहेंगे, आपको तो बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग मोटिवेशन मालिकों के लिए भी, टॉप मैनेजमेंट के लिए भी, अगर कोई स्पेशल एम्प्लॉई है जो आप चाहते हो कि वो डेवलप हो जाए उसको भी साथ में ले लो, और जितने लोग टॉप मैनेजमेंट वाले सीख चुके हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग का कल्चर डाल। और ये स्टाफ की ट्रेनिंग निधि कंपनी और माइक्रो फाइनेंस नहीं कर पा रही है करके हम लोगों ने इन्फोमीट किया था, उसमें हम लोगों ने पैकेजेस पूरा बताया कि रेगुलर बेसिस पे कैसे ट्रेनिंग करेंगे ओनर का और टॉप मैनेजमेंट का और जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका, और ट्रेनिंग मोटिवेशन कैसे होगा। तो आप उसके लिए भी जानकारी चाहेंगे तो दिए गए नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ट्रेनिंग और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आ जाते हैं, हमको बढ़ना है, हमको ग्रो करना है, हमको बहुत आगे जाना है, हम जो निधि कंपनी बनाकर रखे हैं वो फ्यूचर में हम लोग एनबीएफसी बना पाए और उसके भी फ्यूचर में हम लोग बैंक बना पाए और बैंक में जबरदस्त काम कर पाए, दूसरे बैंकों को टक्कर दे पाए, वो सारी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी कि आज जो हमारा बिजनेस है वो एक साल तक, दो साल तक, तीन साल तक, चार साल तक कहां तक पहुंचना चाहिए और कैसे पहुंचेगा, उसका रियलिस्टिक पूरा प्लान, बिजनेस प्लान और ग्रोथ प्लान, और फ्यूचर में कैसे कैसे एसोसिएशन होंगे, कैसे कैसे कनेक्शन होंगे जिससे कि हमारा निधि कंपनी या माइक्रो फाइनेंस कंपनी फ्यूचर में बैंक तक जा पाए और पूरे देश में और दुनिया में अपना एक ब्रांड और नाम खड़ा कर पाए। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हम निधि कंपनी और दूसरे फाइनेंस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को कोलकाता में हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है नेक्स्ट 12 तारीख को, उसके लिए इनवाइट करते हैं कि आप आ सकते हो, तुरंत दिए गए नंबर में कनेक्ट हो सकते हो, जल्दी से अपना सीट बुक कर सकते हो क्योंकि लिमिटेड सीट है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी मिलेगा, वहां पर पर्सनल मीटिंग के लिए भी आपको समय मिल सकता है अगर आप चाहो तो। और आपके बिजनेस के प्रॉब्लम या फिर बड़ा सोच अगर रखते हो कि बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं, कैसे करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे मीटिंग कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तैयार रहूंगा। और बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करिएगा, दिए गए नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।